हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बीएड एंड टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज के लिए। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज हैं और अगर आपको कोई वीडियो सर्च करना है तो आप यहां पे जाके सर्च कर सकते हैं, और जाते जाते बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज हम पढ़ेंगे स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, या भारत में अंग्रेजी की स्थिति क्या है। तो ये टॉपिक है बीएड के लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम सब्जेक्ट में। तो जल्दी से पढ़ते हैं इस टॉपिक के बारे में। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, एक निबंध की तरह, एक एसे की तरह है, ठीक है। लेकिन कुछ ज़रूरी पॉइंट है, उनको याद रखना और अपने अकॉर्डिंग भी आप इस आंसर को लिख सकते हो, ठीक है। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो इसमें बेसिकली क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया, राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया, ठीक है। तो जल्दी से देखते हैं। तो इंग्लिश का सेकंड लैंग्वेज की तरह स्टेटस क्या है। तो इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया में मानी जाती है कि 17वीं सदी में आई थी, जब ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी, बिजनेस बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो बिजनेस और ज़्यादा तेज़ी से होने लगा था, क्योंकि फिर और भी देश आने लगे, ठीक है। तो ये समझा गया भारतीय व्यापारियों के द्वारा, या जो बिजनेसमैन थे, इंडियन बिजनेसमैन थे, कि बिजनेस करना है तो इंग्लिश कहीं ना कहीं ज़रूरी है और उन्हें इंग्लिश आनी चाहिए। धीरे धीरे क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने स्कूल स्थापित कर लिए मद्रास में, मुंबई में, जो पहले बॉम्बे कहते थे, और कलकत्ता में, ठीक है, ताकि इंडियंस को इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाई जा सके और उनका जो बिजनेस है ना वो और ज़्यादा अच्छे से चल सके, ठीक है। और जो अंग्रेजों की एजुकेशन पॉलिसीज थी, जैसे लॉर्ड मैकाले की पॉलिसी थी, या एजुकेशन के बारे में उन्होंने कहा था कि इंग्लिश को एज ए मीडियम पढ़ाना चाहिए इंडियंस को, ठीक है। तो इस तरह से इंग्लिश हमारे देश में एंटर हुई थी। और जब हमें आज़ादी मिल गई तो आज़ादी के बाद क्या हुआ, आर्टिकल 343(1) के अंतर्गत हिंदी को देवनागरी लिपि या देवनागरी स्क्रिप्ट के अंतर्गत ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त हुआ। और आर्टिकल 343(2) में इंग्लिश को 15 साल तक के लिए यूज करना था, मतलब 1965 तक यूज करना था, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बना था हमारा 1950 में। तो 1950 के बाद 1965 तक 15 साल होते थे, और 15 साल तक इंग्लिश को यूज करना था इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग। लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया 1963 में, उसके अंतर्गत क्या हुआ, जो कि 1967 में मॉडिफाई हुआ, अमेंड हुआ, उसमें 25 जनवरी 1965 या 1965 के बाद भी इंग्लिश का कंटिन्यू यूज करना था एज ए ऑफिशियल वर्ड की तरह। और तब से तो फिर हम इंग्लिश को यूज ही कर रहे हैं हमेशा। और जितने भी एजुकेशन पॉलिसीज आए, जितनी भी कमीशन आए, सभी ने रिकमेंड किया कि हमें इंग्लिश को एज ए सेकेंड या थर्ड लैंग्वेज की तरह यूज करना चाहिए। क्यों यूज करना चाहिए, कि एक विंडो की तरह काम करता है वर्ल्ड से कनेक्ट होने के लिए, ठीक है। और क्यों पढ़नी चाहिए हमें इंग्लिश, या क्या स्टेटस है इंग्लिश का। तो इंग्लिश को एज ए लिंकेज लैंग्वेज भी पढ़ाया जाता है, या लिंकेज लैंग्वेज समझा जाता है, ताकि हम इंटरनेशनली कनेक्ट हो सकें, या हम अपने इंडिया में भी दूसरे लोगों के साथ इंग्लिश लैंग्वेज के जरिए कनेक्ट हो सकें। जैसे साउथ इंडिया है, वहाँ पर हिंदी बहुत ही कम आती है लोगों को, तो वहाँ पर लिंकेज लैंग्वेज का काम कौन करती है, इंग्लिश करती है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली इंग्लिश सभी को वहाँ पे या मोस्टली आती है, या नॉर्मली भी क्या है, इंग्लिश आती है तो एक कॉमन लैंग्वेज हो जाती है, और कनेक्टिविटी फिर ईजी हो जाती है, सभी अच्छे से कम्युनिकेट या कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, देन सेकेंड है कि इंग्लिश क्या है, एक ग्लोबल या इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, और जो कि बिजनेस या ट्रेडिंग के लिए या बहुत ज़्यादा यूज होती है। जो भी बेसिक कम्युनिकेशन होता है बिजनेस में, वो किससे होता है, इंग्लिश में ही होता है, ठीक है। जो भी मेल्स हैं वो सभी इंग्लिश में ही किए जाते हैं। इंग्लिश है एक विंडो की तरह, जिसके थ्रू हम पूरे वर्ल्ड की नॉलेज से कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपको अगर स्पेन की भी नॉलेज चाहिए तो आपको इंग्लिश पढ़नी होगी, आपको मैक्सिको की नॉलेज चाहिए तब भी आपको इंग्लिश में ही कंटेंट पढ़ना होगा, आपको चाइनीज कल्चर के बारे में जाना तब भी आपको इंग्लिश में ही पढ़ना होगा। तो कहीं ना कहीं इंग्लिश क्या है, एक लिंकेज लैंग्वेज का काम करती है, एक विंडो है, एक खिड़की है, जिसके थ्रू हम दुनिया की बाकी नॉलेज को ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए इंग्लिश जरूरी है। क्यों, जब साइंस में या टेक्नोलॉजी में कोई रिसर्च होती है तो उसको रिसर्च पेपर के जरिए पब्लिश किया जाता है, और अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है तो आप अपनी जो भी रिसर्च है उसको दूसरे तक कैसे पहुँचाओगे, ठीक है। तो इस मामले में भी क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए, ताकि कम्युनिकेशन अच्छे से हो सके और हम अपनी चीज़ें भी वहाँ तक पहुँचाएँ और उनकी चीज़ें भी हम समझें।
कंप्यूटर की लैंग्वेज भी क्या है, बेसिकली इंग्लिश ही है। जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं सभी इंग्लिश में हैं, जो भी कमांड्स होती हैं सभी इंग्लिश में हैं, मतलब वर्ड पावर पॉइंट सभी किस में है, इंग्लिश लैंग्वेज में ही है। कुछ ही देश है जिसने अपनी लैंग्वेज में उनको ट्रांसलेट कर लिया है। चलो नेक्स्ट है, जो भी हायर एजुकेशन में जो मीडियम है ना वो मोस्टली इंग्लिश है अलग अलग डिसिप्लिन में है। आप एग्जाम्पल लो तो जो इंजीनियरिंग है उसमें मैंने कभी भी देखा कि हिंदी में बुक्स हो कोई, सभी इंग्लिश में है। साइंस की बात करें तो उसमें भी बुक्स क्या है, इंग्लिश मीडियम में ही है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, जो मोस्टली डिसिप्लिनस हैं हायर एजुकेशन में उसमें मीडियम जो है इंग्लिश है, ठीक है, या अंग्रेजी भाषा है। चलो देन महात्मा गांधी जी इंग्लिश के बारे में क्या कहते हैं कि इंग्लिश इज ए लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कॉमर्स, मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भाषा है। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ डिप्लोमेसी, मतलब कूटनीति की भाषा है। इसमें क्या है, बहुत ही ज़्यादा ट्रेजर है या बहुत ही ज़्यादा समृद्ध खजाना है, और ये हमें इंट्रोड्यूस करता है वेस्टर्न थॉट्स से, उनके विचारों से और उनके कल्चर से। ठीक है, इसलिए भी हमें इंग्लिश पढ़नी चाहिए। चलो देन आते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है, या इंग्लिश क्यों पढ़ते हैं। बेसिकली हम इंडिया में इंग्लिश क्यों पढ़ते हैं, लिटरेसी के लिए पढ़ते हैं, मतलब उसमें साक्षर होने के लिए पढ़ते हैं कि हमें इंग्लिश पढ़नी और लिखनी आ जाए। ठीक है, और हमारी जो लिटरेसी स्किल है, साक्षरता स्किल है, वो इंक्रीज हो सके, मतलब हम बेसिकली इंग्लिश को पढ़ और लिख पाएँ। चलो नेक्स्ट है कम्युनिकेटिव और संचार के लिए, हम इसलिए भी इंग्लिश पढ़ते हैं ताकि जो हमारा कम्युनिकेशन है वो और ज़्यादा एफिशिएंट हो सके, जो भी हमारे थॉट्स हैं उनको हम ट्रांसफ़र कर सकें और दूसरों के थॉट्स भी अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, चलो थर्ड है लिंग्विस्टिक या भाषाई ऑब्जेक्टिव। तो इसमें क्या है, इसमें हम इंग्लिश से रिलेटेड सभी स्किल्स सीखते हैं या सिखाते हैं, मतलब लिसनिंग करना, स्पीक करना, रीड करना और राइट करना, ताकि इंग्लिश को हम एज ए लैंग्वेज सीख सकें। ठीक है, कल्चरल पर्सपेक्टिव है, कल्चरल ऑब्जेक्टिव है या सांस्कृतिक ऑब्जेक्टिव है, ताकि हम वर्ल्ड के कल्चर को समझ सकें और अपने कल्चर को भी वहाँ तक पहुँचा सकें। ठीक है, और जिससे कि हमारा कल्चरल एडवांसमेंट हो। करियर से रिलेटेड या व्यवसाय से रिलेटेड है, इंग्लिश इसलिए भी पढ़ते हैं ताकि हमारे करियर में ग्रोथ हो सके। आपने देखा होगा बहुत सारी जॉब्स हैं जहाँ पे इंग्लिश को बहुत ही ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, जैसे कि इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स है ना, वहाँ पे इंग्लिश बहुत अच्छे से बोली जाती है, या बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं या MNC हैं, मल्टीनेशनल कंपनी है, जहाँ पे इंग्लिश को बहुत अच्छे से जगह दी जाती है, या जिसको अच्छे से इंग्लिश बोलनी आती है उनका सिलेक्शन जल्दी हो जाता है। तो इंग्लिश हम इसलिए भी सीखते हैं ताकि हम करियर में अच्छा कर सकें, और हायर एजुकेशन तो हमने पढ़ ही लिया कि वो बेसिकली क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज में ही है मोस्टली केसेस में। चलो टीचर का क्या रोल है इसमें, तो टीचर किस तरह से इंग्लिश को सिखा सकता है या किस तरह से माहौल बना सकता है। तो टीचर की ये ड्यूटी बनती है कि वो सिचुएशंस क्रिएट करे, ऐसा माहौल बनाए, एनवायरनमेंट बनाए, वातावरण बनाए, जहाँ पे बच्चे इंग्लिश को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख सकें, उनको बहुत ही ज़्यादा एफर्ट ना करनी पड़े। ठीक है, तो जो आजकल के इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं वो अच्छे से काम करते हैं। जब हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे तब तो वो बस नाम के इंग्लिश मीडियम थे, लेकिन आजकल सच में इंग्लिश मीडियम स्कूल में एनवायरनमेंट बहुत अच्छे से क्रिएट होता है, सभी टीचर्स इंग्लिश में बात करते हैं और वो टीचर्स भी चाहते हैं कि बच्चे भी उसी लैंग्वेज में बात करें, तो एक अच्छा एनवायरनमेंट बन जाता है और लैंग्वेज क्या है फिर अपने आप एक्वायर हो जाती है, बच्चों को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। चलो देन है टीचर का पोटेंट होना या सक्षम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना अच्छा टीचर होगा वही बच्चों को बता पाएगा कि किस तरह से लर्निंग करनी है, किस तरह से ओवरऑल लैंग्वेज काम करती है, मतलब टीचर एक्सपीरियंस होगा ना तो वो लैंग्वेज लर्निंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, अलग अलग अप्रोच यूज करके, अलग अलग मेथड्स यूज करके। एक अच्छा टीचर छोटी छोटी चीज़ों को यूज करके बच्चों को मोटिवेट कर सकता है दूसरी लैंग्वेज सीखने के लिए, मतलब उनके डेली की रूटीन पूछना कि घर जाने के बाद क्या करते हैं, उठने के बाद क्या करते हैं, तो उससे क्या होगा, बच्चे इंग्लिश में ही सोचना सीख जाएंगे। ठीक है, अगर आपको दूसरी लैंग्वेज सीखनी है तो आपको दूसरी लैंग्वेज में ही सोचना पड़ेगा कि पर्टिकुलर वर्ड को या पर्टिकुलर फीलिंग्स को कैसे शो किया जा सकता है। ठीक है, और जब बच्चा ये सभी चीज़ें एक्सप्रेस करने लगेगा, अपनी फीलिंग्स को बताने लगेगा, और तो कहीं ना कहीं जो भी बच्चों के अंदर हेजिटेशन है या झिझक है वो अपने आप दूर हो जाएगी। मतलब ये है कि अगर आपको कोई थॉट आ रहे हैं, आप एक्सप्रेस कर रहे हो, टीचर उनको ठीक कर रहा है, तो अपने आप क्या है, जो बच्चों के अंदर ओवरऑल हेजिटेशन है, झिझक है, वो अपने आप दूर हो जाएगी। बच्चों को लगेगा कि मैं कुछ गलत बोलूंगा और मैम उसको ठीक कर देगी, तो गुड टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स। ठीक है, चलो लैंग्वेज की कितनी स्किल्स होती हैं, 4 स्किल्स होती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। तो मोस्टली इंडिया में क्या किया जाता है, टीचर बेसिकली क्या करते हैं, रीडिंग और राइटिंग पे ज़्यादा जोर देते हैं
और स्पीकिंग और लिसनिंग पे उतना जोर नहीं देते हैं, ठीक है। तो एक अच्छे टीचर को स्पीकिंग को भी एनहेंस करना चाहिए और लिसनिंग को भी एनहेंस करना चाहिए, क्योंकि जितनी अच्छी तरह से बच्चे लिसन करेंगे वो उस पर्टिकुलर वर्ड्स को, पर्टिकुलर लैंग्वेज को अच्छे से प्रोसेस करेंगे और अच्छे से उसको बोल पाएंगे या स्पीक कर पाएंगे, ठीक है। और क्या टीचर कर सकते हैं? टीचर कर सकते हैं कि बच्चों को, सभी बच्चों को अच्छे से अपॉर्चुनिटी मिले, एक पीरियड सेट कर लें या हर एक पीरियड में 10 मिनट का टाइम सेट कर लें डिस्कशन, जिसमें हो सके सेकंड लैंग्वेज में, या कुछ दिन डिसाइड कर लें पूरे हफ्ते में जिसमें डिबेट हो सके, डिस्कशन हो सके या कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो सके जिससे कि सेकंड लैंग्वेज की एनहेंसमेंट को बढ़ावा मिल सके। चलो, इंग्लिश को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए क्या है, टीचिंग एड्स का यूज़ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऑडियो विजुअल डिवाइसेस यूज हो सकती हैं, प्रोजेक्टर्स यूज हो सकते हैं, मूवीज़ दिखाई जा सकती हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, ताकि बच्चों के जो स्किल्स हैं वो एनहेंस हो सके। डिबेट कराई जा सकती है, डिस्कशन कराए जा सकते हैं, शॉर्ट प्लेज कराए जा सकते हैं, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी कराई जा सकती है जिससे कि बच्चों की इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल्स या लिसनिंग स्किल्स एनहेंस हो सकें या उन्हें हम बढ़ा सकें। चलो, इंग्लिश को सीखने में बैरियर्स क्या हैं? कहीं ना कहीं टीचर्स का एटीट्यूड या रवैया, जैसे लैंग्वेज टीचर हैं वो तो अपना काम कराएंगे, लैंग्वेज पढ़ाएंगे, लेकिन जो बाकी टीचर्स हैं ना, वहाँ पे कहीं ना कहीं टीचर्स का एटीट्यूड या रवैया उतना अच्छा नहीं होता जिससे कि बच्चों की लैंग्वेज स्किल और ज़्यादा अच्छी हो सके। मतलब सिंपल सी बात है ना, कोई साइंस का टीचर होगा तो वो कहेगा कि हम साइंस पढ़ लेते हैं, लैंग्वेज वाला काम आपके लैंग्वेज टीचर्स करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट क्या है, मदर टंग का यूज़ करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी एक ड्रॉबैक है, क्योंकि जब तक बच्चे लैंग्वेज को बोलेंगे नहीं वो उन वर्ड से हैबिचुअल नहीं होंगे या उनकी आदत नहीं पड़ेगी उन्हें। इंडियन क्लासरूम में क्या है, कई बार बच्चों की जो संख्या है, बच्चों की जो पॉपुलेशन है, नंबर है, वो बहुत ज़्यादा होता है और हर एक बच्चों पे ध्यान दे पाना एक टीचर के लिए कई बार टफ हो जाता है। तो जो बच्चे ऊपर रहते हैं वो ऊपर रह जाते हैं, मतलब जिनमें अच्छी स्किल है वो मोस्टली बोलते रहते हैं, और जो नहीं बोलते हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, ठीक है। और ज़्यादा बच्चे होने के कारण टीचर भी सब पे ध्यान नहीं दे पाता है। चलो, देन अगेन टाइम लिमिट होती है कि सिलेबस को कम्प्लीट कराया जाए, और इसमें क्या है, जो बाकी एक्टिविटीज़ है ना, डिबेट है या डिस्कशन है, वो सब पीछे छूट जाता है, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं रीजन है कि सभी स्किल्स को हम यूज नहीं कर पाते हैं ताकि बच्चों की जो स्किल्स है वो एनहेंस हो सके सेकंड लैंग्वेज में। कहीं ना कहीं टीचर्स की ट्रेनिंग की भी कमी है, टीचर्स को ट्रेन नहीं किया जाता है कि वो किस तरह से इंग्लिश को अच्छे से यूज करें, या कौन कौन से मेथड्स यूज करें, कौन सी अप्रोच यूज करें, कैसे टीचिंग एड्स को यूज करें। तो कहीं ना कहीं ये भी ड्रॉबैक है या बैरियर है, लैक ऑफ टीचिंग एड्स। तो ऐसा जरूरी भी नहीं है कि हर एक जगह ऑडियो विजुअल डिवाइसेस अवेलेबल हों, हर एक जगह प्रोजेक्टर्स अवेलेबल हों। तो ये भी एक कारण है कि बच्चे अच्छे से लैंग्वेज स्किल्स को नहीं सीख पाते हैं, ठीक है। और जहाँ पे टीचिंग एड्स होते भी हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं टीचर्स का रवैया बैरियर बन जाता है, या कहीं ना कहीं उनकी ट्रेनिंग बैरियर बन जाता है, ठीक है। चलो, बच्चों में क्या है, कई बार हेजिटेशन होती है क्योंकि कल्चरल अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है। और ये क्यों नहीं है, सपोज कोई बच्चा बोलना स्टार्ट करता है और कुछ गलत बोलने लगता है तो बाकी बच्चे हंसने लगते हैं, ठीक है। तो उस बच्चे में बेसिकली क्या आ जाएगी, एक हेजिटेशन आ जाती है, शर्म आ जाती है कि मैं कुछ भी बोलूँगा तो बच्चे हंसेंगे, इसलिए वो पर्टिकुलर बच्चा या कुछ बच्चे फिर नहीं बोलते, ठीक है। और वो फिर जो डाउट रहते हैं ना, वो हमेशा के लिए डाउट ही रह जाते हैं, क्लियर है। तो ये सभी बैरियर्स हैं जो कि इंग्लिश को सीखने में दिक्कत देते हैं या ऐसे रुकावट पैदा करते हैं। तो ये रेफरेंसेस हैं, मैं इनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।